अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज उमर वकास भट्टी एंड यू आर वाचिंग उमर वकास एवरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में और जनवरी में समर होता है और जून जुलाई में विंटर होता है। तो समर में हमारे पास अच्छा मौका होता है बाहर आउटडोर आउटिंग करने का, जो कि विंटर में नहीं हम कर सकते। तो अब मैं आपको लव बर्ड वीडियोज़ और लव बर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको ऑस्ट्रेलिया भी दिखाऊँगा, मेलबर्न भी दिखाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में। आज मैं आपको ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ दुनिया में, आपको या तो ओशन मिलता है या फिर माउंटेन्स मिलते हैं, दोनों एक जगह, बहुत कम जगह दुनिया में ऐसी हैं जहाँ पे माउंटेन और ओशन इकट्ठे होते हैं। तो मैं आज आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ वो ओशन और माउंटेन इकट्ठे हैं। और वीडियो में बना रहा हूँ जनवरी में, काफ़ी वीडियो पाइपलाइन में पड़ी, तो हो सकता है ये वीडियो आप 3 या 4 महीने बाद देख रहे हो। तो चले आए मेरे साथ, आज आपको बहुत ही खूबसूरत जगह का विजिट कराता हूँ, चले आए। घर से निकल चुके हैं और हम फ्रीवे पे हैं और जा रहे हैं, और हमें वेदर ने धोखा दे दिया है क्योंकि कल हमने फोरकास्ट चेक की थी तो बारिश नहीं थी। और दिस इज़ द वेदर ऑफ विक्टोरिया, यू नेवर नो कि कब चेंज हो जाए। तो बारिश नहीं थी लेकिन अब बारिश हो रही है, लेकिन प्रोग्राम बना हुआ था तो मैंने कहा चलो प्रोग्राम ही कैंसिल करना, हम बारिश में भी इंजॉय करेंगे। प्राइवेट फॉर्म है और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके इधर राइट पे उन्होंने एक वैली है माउंटेन और उसके बैक पर जो है वो सी है। ये उन्होंने जालियां लगाई हुई साइड में, देखें ताकि लैंड स्लाइडिंग ना हो, जहाँ जहाँ से लैंड स्लाइडिंग का खतरा हो सकता है, तो वहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे अरेंजमेंट किए हुए, यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग ना होने की प्रॉब्लम होती है। पूरे व्लॉग में, व्लॉग तो चलता रहेगा, अगर हम लव बर्ड की बात ना करें तो फिर लव बर्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अधूरी रह जाती है, इनकम्प्लीट रह जाती है। तो हर तरह की वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए। तो मैसेज मेरा हमेशा की तरह यही है कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों से अपने कनेक्शन रखें, और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनकी वीडियोज़ मत देखें, उन लोगों को मत सुनें, क्वालिटी पर काम करें, पॉजिटिव रहकर काम करें, पैशन होना चाहिए, सब्र होना चाहिए आपके अंदर, और सबसे बड़ी बात के ऑनेस्टी, ईमानदारी लव बर्ड के बेसिस में बहुत ज़रूरी है। आज का सबसे अहम मैसेज इस व्लॉग के दौरान, देखें कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर आप, कुछ लोग जो अल्लाह का डर रखते हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं, जो नहीं रखते वो बेईमानी से भी काम करते हैं और अपना कारोबार चला लेते हैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर मैं आपको एक बड़ी एक अजीब चीज़ बताने लगा हूँ कि जो लोग अल्लाह का खौफ नहीं भी रखते ना, तो उनको भी ईमानदारी से ये काम करना पड़ेगा, चाहे वो अल्लाह का खौफ उन्हें नहीं भी है, तो उन्हें कम से कम अपना कारोबार, अपना बिजनेस चलाने के लिए, बर्ड्स का कोई भी काम है उसके अंदर ऑनेस्टी तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अल्लाह के खौफ से ईमानदारी नहीं करते तो आपको अपना कारोबार चलाने के लिए ईमानदारी तो ज़रूर करनी पड़ेगी। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आज के लिए जी। ये मेरे और आपके फ्रेंड्स जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे पैरट्स, कॉकटूस, देखें यहाँ पर कितने प्यारे लग रहे हैं, शॉप्स के ऊपर बैठे हैं। ये देखो वो आ रहे हैं, ये देखो ये आ रहे हैं, ये अभी हम जाएंगे इनको कुछ ना कुछ सीड्स ऑफर करेंगे।
ये देखें जो मैंने बताया था ना जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का थोड़ा सा मसला होता है, तो उन्होंने ये कुछ किया हुआ, ये देखें राइट साइड पर। यहाँ पर ये फ्रेंड्स सामने माउंटेन से जो वाटरफॉल्स होती हैं, ठीक है, उनका ये फ्रेश वाटर होता है, ये देखो ये यहाँ पे से सारा घूमता हुआ ये जाके, ये देखें फ्रेंड्स सुभान अल्लाह के अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर क्या खूबसूरती पैदा की है। ये देखें सिर्फ देखने को क्या है, ये सिर्फ पत्थर हैं, रॉक्स हैं, लेकिन देखिए इसके अंदर अल्लाह ताला ने कैसे कैसे पैटर्न बनाए हैं, इसके अंदर कलर्स के शेड्स देखें, ठीक है, और सुभान अल्लाह क्या ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तख्लीक किया है। अब ये देखें ये रॉक्स का रॉक का क्या अल्लाह ताला ने डिजाइन बनाया, देखें और अब ये देखें यहाँ पर इस पैच की एक अलग खूबसूरती है, देखें जैसे किसी ने इसको डिग करके बनाया हो, ये देखें जिस रब ने देखें इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हो, ब्यूटीफुल इस दुनिया को बनाया, खुद कितना खूबसूरत होगा देखें। अब ऐसे लग रहा है कि एक एक चीज़ को किसी ने यहाँ पर बैठ के डिज़ाइन किया है, एक एक इसका आप देख लें रॉक का कोई भी पार्ट देखें जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया आपको, और देखें तो लगता है कि किसी ने इसको प्लान किया, किसी जैसे किसी ने बना खुद बैठ के इसको बनाया हो। जी फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम ये कपड़े शपड़े उतार देंगे अपने, स्विमिंग वेदर पहन के स्विमिंग करने जाएंगे थोड़ी बहुत, और वो वीडियो दिखाने के लायक नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह लव बर्ड के मुतालिक आप वीडियो देखते रहें, और अपना प्यारा मूल ऑस्ट्रेलिया इसी तरह मैं आपको दिखाता रहूँगा। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।